नमस्कार मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगा जो जवाहर नवोदय विद्यालय का 21 अप्रैल 2018 को पेपर हुआ था उसका हिंदी का सॉल्यूशन। जो उसकी हिंदी थी उसमें हमारे कौन से ऑप्शन सही थे। जो हमारा ये गधे वाला जो पैराग्राफ आया था उस वाले में हमारा जो है वो हमारा इसका पहले का हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, जंगल में रहता है वो। दूसरे में हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा अन्य पशु उसे शेर समझ रहे थे। और इसके में हमारा जो अलग है जो इस पैराग्राफ में जिसकी जिक्र नहीं हुआ है, जिसकी बात नहीं हुई, वो जैबरा है। और इसमें हमारा उसको जो रेंगने की आवाज़ है वो गधे की है। और जो गधा क्यों भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए, इसमें जो वाला ऑप्शन सही है। इसमें है कि हाथी एक दिन में कितने घंटे मतलब कितने घंटे खाता है, 16 से 18 घंटे। और हाथियों को शाकाहारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे फल पत्तियाँ और पौधे खाते हैं। और भारतीय हाथी क्या खाना पसंद करता है, गन्ने खाना पसंद करता है। और इसके बाद ये है अपनी फसलों को हाथी से बचाने के लिए हमें क्या करने उससे किसान क्या करते हैं, वो शोर मचाते हैं। और निम्नलिखित में से ये कह रहा है नष्ट करने का मतलब क्या होता है, उसका विपरीत उसका उल्टा हमारा रक्षा करना होता है। अगले वाले में ये था तुलसी का पौधा हमारे लिए मतलब कि कौन से ये कह रहा है तुलसी का पौधा कौन सा सत्य नहीं है, तो ये हमारे लिए इसका मूल पश्चिमी यूरोप है, तो ये हमारा इसमें ऑप्शन सही नहीं है। इसकी किस्में कितनी है, जी 150 किस्में हैं इसमें दे रखा है। और इसमें पथिकों को प्यास बुझाने के नियंत्रित करने के लिए काम में आता है। और ये हमारा इसका भारत इसका मूल स्थान है। और इसमें जो है शहद और तुलसी का मिश्रण ये इसमें कह रहा है कि स्वास्थ्य के लिए हितकर है, ये इसमें हमारी और ऑप्शन सही है। मुख्य रूप से किसके बारे में है, मकड़ी के जाले के बारे में यह पैराग्राफ मुख्य रूप से। मकड़ी के जाले सहायक उसमें नहीं होते हैं, उनको कीटों को डराने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होता है, बाकी सभी सभी में होता है। मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनका उनके पास कोई आ चुका है, मतलब वो अनुभव कर लेती हैं। और घर में मकड़ी ना होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास मकड़ी, हमारे घर में मकड़ी है ही नहीं। जीवित रहने का मतलब होता है जीना। ये हमारा पैराग्राफ था। ये फास्ट फूड के बारे में था। ये हमारा मोटापा का कारण बनता है और यह स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। और इसका हमें नकल करना मतलब अनुकरण करना होता है। और फास्ट फूड जो करता है हमारी जीवन शैली में से जुड़ी बीमारियां करता है। और ये है हमारा फास्ट फूड जो हमारा घर का खाना बना होता है वो फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होता है। धन्यवाद मित्रों, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन था जो हमने आपको दिया। हमारी बाकी वीडियो में मैथ और आकृति इसका आकृतियों का है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।